जी अस्सलाम वालेकुम शहदाद, दिस इज बहराम काजी फ्रॉम ग्रास रूट्स क्रिकेट। मुबारक हो आपको, बहुत बिग मैच जीते हैं आप, क्रंच विन थी। तो आपकी कुछ इंटरव्यूज में देख रहा था पुराने, और आप कह रहे थे कि यू व्यू योरसेल्फ एज अ बोलिंग ऑलराउंडर, पिछले कुछ टाइम से आपकी बैटिंग में बहुत निखार आया है, तो क्या आप शादाब खान समझते हैं कि वो एक जेन्युइन ऑलराउंडर है? तो मुश्किल सवाल, लेकिन देखिए नंबर पे डिपेंड करता है। अगर आप जिस नंबर में मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं इस नंबर पे मैं अपने आप को प्योर ऑलराउंडर समझता हूँ, लेकिन अगर आप नंबर्स अगर मैं नीचे खेल रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे माइंड सेट मेरा होता है कि मैंने पहले बॉलिंग करनी है और उसके बाद अगर बैटिंग में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, लेकिन नंबर्स पे टोटली डिपेंड करता है कि माइंड सेट कैसा है मेरा। देखिए जब भी किसी मैच पे भी आप जाते हो या किसी टूर्नामेंट पे भी जाते हो तो आप डेफिनेटली जीत के जो हमारे जो सिंपल प्लान है हम उसको कोशिश करेंगे वो एग्जीक्यूट करें एज ए टीम। और दूसरा, आप बहुत लंबा है, वर्ल्ड कप बहुत दूर है, अभी तो PSL में या राउंड हूँ तो ठीक है बस, बाकी तो जब टीम में सेलेक्ट होऊंगा, क्योंकि पिछली सीरीज में नहीं खेला था, अभी होपफुली मैं कम बैक करूँ और टीम में जो भी रोल दिया जाएगा उसको कोशिश करूँगा कि उसको पूरा करूँ। नहीं, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ पीछे से, क्योंकि जिस तरह का वेदर था, मेरी टीम से बात हो रही थी, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी क्रिकेट खेला हूँ और इसके वेदर पे आप क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और इसकी वजह से वो मॉइस्चर रहता है पिच में और इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं निकल रही जिससे मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, और इस तरह की सी मूवमेंट तो जितनी सर्दी है वो रहेगी। दूसरा, वो शान भाई के साथ तो इन द फील्ड कुछ ना कुछ वो उनको थोड़ा मेरे ख्याल से गलतफहमी हुई थी जिसकी वजह से वो गुस्सा हुए, लेकिन इन द फील्ड चलता है तो वो तो ऐसा भी बात नहीं। देखिए पहले तो हमने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। दूसरा, हैदर अली जिस तरह में से पहले भी एक सवाल हुआ था PSL स्टार्ट होने से पहले, तो की प्लेयर उन्होंने पूछा था तो मैंने हैदर का नाम दिया था कि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा था, जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस हुए या हमारा जो कैंप लगा, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा था तो वो हमें उस तरह लगा और अनफॉर्चुनेटली वो हमारा टीम का कम्बिनेशन ऐसा बना जिसकी वजह से उसको चांस नहीं मिले, तो हम उसको पूरी बैक कर रहे थे, उसके साथ बात हो रही थी और जिस तरह का आज उसने शो किया, हमें सबको पता है कि जिस तरह का उसमें पोटेंशियल आया, उस अनफॉर्चुनेटली उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ऐसे प्लेयर्स को जब आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं तो वो डेफिनेटली परफॉर्म करता है और हमें पूरा बिलीव है कि वो आने वाले मैचेस में भी उसी तरह परफॉर्म करेगा। देखिए मैं अपने आप को तो समझ सकता हूँ, आप ना समझते हैं एज ए ऑलराउंडर तो, लेकिन दूसरा मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा जी अच्छा सॉरी मैंने आपका सवाल नहीं मैंने सवाल कर तो नहीं। देखिए एक दुनिया में ना कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपना कोई नुकसान करना चाहे, तो मैं भी वही इंसान हूँ, तो मुझे पता है कि जब तक मैं बॉलिंग करूँगा तो मैं टीम में रहूँगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं बॉलिंग नहीं और उसमें मेरा फोकस नहीं है। देखिए ऑलराउंडर के T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, आज मेरा बॉलिंग में दिन नहीं था तो मुझे बैटिंग में हेल्प मिली और वो मेरा मैच अच्छा चला गया, अगर मैं ऑलराउंडर ना होता तो मैंने जिस तरह के दो ओवर में रन मुझे पड़े हैं, तो डेफिनेटली एज ए प्लेयर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक होता है, लेकिन आपके पास एज ए ऑलराउंडर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप तीन में से किसी एक चीज़ में भी अगर आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा उस लेवल पर मेंटेन रहता है। आपने जिस तरह फ़हीम को भी देखा होगा, फ़हीम ने लास्ट मैच में जिस तरह की बैटिंग की है वो आज उसकी बॉलिंग में भी वो निखार नज़र आया, तो ऑलराउंडर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दूसरा, ऐसा मेरा कोई माइंड नहीं है या कि मैं बहुत ज़्यादा बैटिंग में फोकस करता हूँ, तो वो एक नेचुरल भी है मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने शुरू में तो बैट्समैन था फिर मैं मेहनत करके बॉलर बना था, तो वो एक बैटिंग मेरी नेचुरल भी है, उसमें मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बॉलिंग में मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो मैं करता हूँ। हसन अली को मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, किस लिहाज से नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगो पिच असल में ऐसा पिच था कि वो फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था।